तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास बजाज की पल्सर 150 बाइक है और इस बाइक में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा एयर फिल्टर कैसे क्लीन करें, एयर फिल्टर को कैसे खोलें, कैसे क्लीन करें, ये जानकारी आप लोगों को मैं आज देने वाला हूँ। तो अभी हमको आ जाना है राइट साइड में और राइट साइड में जो पैनल लगा हुआ है हमारा साइड का पैनल, सबसे पहले इसे खोलना है। एक स्क्रू इस जगह पे, एक ही स्क्रू है, ये स्क्रू को आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर या पेचकस की मदद से इसे आप लोगों को खोल लेना है। ये इस तरीके से हमने इसका स्क्रू खोल लिया और अब इसका पैनल निकालते हैं। तो इधर से खींचना है, इधर से आप लोगों को बाहर की तरफ खींचना है और इधर की तरफ खींच के और बाहरी की तरफ खींच लेना है आगे की तरफ। ये देखो, ये इस तरीके से निकल जाता है, तो यहाँ पे ये फंसा रहता है पीछे इस जगह पे, हमको आगे की तरफ खींचना पड़ता है इस तरीके से आगे की तरफ, हमारा पैनल निकल जाएगा। अभी हमारा यहाँ पे एयर फिल्टर बॉक्स और ये जो सारे स्क्रू लगे हुए हैं 5 स्क्रू, इनको अब आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर से खोल लेना है। तो चलो मैं ये सारे स्क्रू खोल लेता हूँ। एक स्क्रू ड्राइवर ही आप लोगों को लगेगा, बाकी आप लोगों का कोई भी पाना इसमें लगने वाला नहीं है। सिर्फ आप लोग एक पेचकस की मदद से एयर फिल्टर क्लीन कर सकते हो और एयर फिल्टर किस चीज से क्लीन करना है वो तो आगे आप लोगों को मैं बता ही दूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मैं एक चीज आप लोगों को तक शेयर जरूर कर दूंगा ये बात कि जैसे हम इसका एयर फिल्टर क्लीन कर रहे हैं हमको क्लीन करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे ये होता है हमारी जो बाइक का माइलेज है वो बढ़ जाता है और दूसरा जब बाइक हल्का दबती है या बीच में झटके लेने लगती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा इससे भी आप लोगों को ये चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एयर फिल्टर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एयर फिल्टर क्लीन करोगे तो इंजन को बिल्कुल क्लीन हवा जाएगी तो इंजन आपका हीट नहीं करेगा। तो एयर फिल्टर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हमको एयर फिल्टर निकाल लेना, ये देखो इस तरीके से निकाल लिया एयर फिल्टर और अब इसके अंदर एक जाली होगी, ये जाली को पकड़ के इस तरीके से निकाल लेना क्योंकि इसमें देखो धूल आप लोगों को नजर आ रही होगी और यहाँ पे तो हमारा बॉक्स है। और चलो इसको अब क्लीन कैसे करना है वो आप लोगों को बताता हूँ, सारा कुछ ले लेता हूँ पहले। तो इस एयर फिल्टर को करते हैं क्लीन, हमको ले लेना पेट्रोल। ये देखो मैंने पेट्रोल ले लिया, आप लोगों को बाइक से निकाल लेना हल्का सा पेट्रोल, उसके बाद ये एयर फिल्टर, एयर फिल्टर के बीच में एक प्लास्टिक की ब्लैक कलर की जाली है, ये जाली को निकाल देना है। और अब ये इस एयर फिल्टर को आप लोगों को करना है क्लीन पेट्रोल से। ये पानी निकाल दूं, जब हम बाइक को वॉश करवाए हैं उस टाइम पे पानी चला गया था इस एयर फिल्टर में, देखा एयर फिल्टर में पानी था। और इसके बाद इस तरीके से इसमें पेट्रोल से और जो हमारा फॉर्म वाला फिल्टर है उसको क्लीन करना है, क्लीन इस तरीके से करना है। अगर ये एयर फिल्टर खराब होता तो हमने जैसे इसमें पेट्रोल डाला था ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इसके। तो अभी हमारा एयर फिल्टर बिल्कुल सही है, इसको क्लीन कर लेना है इस तरीके से और उसके बाद में मैं आप लोगों को इसको कैसे फिटिंग करना है वो बताऊंगा। ये देखो हमारा एयर फिल्टर 2 बार हमको इस तरीके से करना है, क्लीन हो गया। अब इसको रख देना है सूखने के लिए थोड़ी देर तक और अब इस जाली वगैरह को हम क्लीन कर लेते हैं, जितनी भी हमारी जाली है इस तरीके से इसको भी क्लीन कर लेना है पेट्रोल से, इस तरीके से मार देना है। और इसके बाद तो हमारा एक जो हमारा कवर है ये वाला, इसको भी हम ब्रश से क्लीन करेंगे। और अब इसकी जाली जो है हमारी लोहे वाली जाली, इसको भी इस तरीके से क्लीन करना है। ये देखो इस तरीके से जो हमारा ब्रश है, ब्रश से हम इसको इस तरीके से क्लीन कर देंगे क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मट्टी जमा हुई थी, आप लोगों ने देखा था व्हाइट व्हाइट मट्टी थी वो, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद अब आप लोगों को कपड़े से इसको क्लीन करना है इस तरीके से, कपड़े से कायजे से क्लीन कर लेना, पोंछ लेना खूब अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद ही फिटिंग करना। तो ये जाली को और ये जो हमारा कवर है इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं और इसकी जो प्लास्टिक वाली जाली थी उसको भी क्लीन कर लेना, ये वाली चलिए क्लीन कर लेना। अब तक तो हमारा एयर फिल्टर भी सूख गया होगा, तो एयर फिल्टर सूख जाए जब ही लगाना। और यहाँ पे भी हम क्लीन कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमारा एयर फिल्टर का बॉक्स जो है उसके अंदर हमारा हाथ नहीं जाएगा, या तो प्रेशर से क्लीन होगा या तो कपड़े वगैरह से, तो हमको इस तरीके से क्लीन कर लेना है, बाकी इसके अंदर हाथ वगैरह नहीं जाएगा। अब घर में हो तो क्लीन ही नहीं कर पाओगे इस तरीके से, मतलब घर में हो तो इसी तरीके से क्लीन कर पाओगे, बाकी प्रेशर जो है वो कहाँ ढूंढोगे आप लोग। तो इसी तरीके से क्लीन कर लेना है और इसका एयर फिल्टर लेना है। इसके बाद ये जो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, ये पॉइंट को रखना है आप लोगों को इस जगह पे, यहाँ पे फटा हुआ पहले से, तो हमको इसी जगह पे रख के इसके बीच में इस तरीके से डाल देना है और बैठा देना है। ये बैठ गया, जाली बैठ चुकी है हमारी। और अब इसके ऊपर
आप लोगों को ऑयल डालना है, इंजन ऑयल। ये जो जाली हमारी, ये जाली तो हम बाद में लगाएंगे, पहले इसमें इसके ऊपर इंजन ऑयल डालते हैं। हल्का सा इसके ऊपर इंजन ऑयल लगा लेना। इंजन ऑयल क्यों मैं डाल रहा हूँ आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। ये इंजन ऑयल डालने से ये होता है कि जब हमारी बाइक चलती है, जब मट्टी वगैरह आती है, एयर फिल्टर जब हवा खींचता है तो साथ में मट्टी भी आती है, तो मट्टी इसी के ऊपर जम जाती है, ऑयल के ऊपर, अंदर तक नहीं जा पाती। जो हमारी एयर रहती है, हवा रहती है, हवा इंजन में अच्छी जाती है, और अगर मट्टी रहती है तो मट्टी इसी में जम जाती है, इसलिए हम ऑयल इसमें डाल रहे हैं। बाकी आप लोगों के पास है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। तो अभी इस एयर फिल्टर को हम, ये वाला पॉइंट है, ये वाला फिटिंग करते हैं। ये वाला पॉइंट जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाले पॉइंट को आप लोगों को रखना है इस जगह पे। पहले इसकी जाली लगेगी, सॉरी, पहले जाली लगा लेते हैं। ये जो जाली है इसको हमको इस तरीके से बैठाना है, नीचे वाले खांचे में इसमें जाली बैठेगी, इसके ऊपर वाले खांचे में एयर फिल्टर बैठेगा। एयर फिल्टर का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आप लोगों को रखना है इसी साइड में, जैसे कि मैंने आप लोगों को करके दिखाया है, इसी साइड में रखना है। और इसको इस जगह पे क्यों रखना है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। एयर फिल्टर हमारा फिटिंग हो चुका है। अब ये जो कवर है यहाँ पे देखो, ये देखो, ये यहाँ पे गड्ढा पड़ा हुआ है, यहाँ पे गड्ढा है, और यहाँ पे जो हमारी जाली लगाई थी, ये देखो, ये पॉइंट जो है इसके अंदर बैठेगा, गड्ढे को, जो हमारा खड्डा पड़ा हुआ खड्डे के अंदर एयर फिल्टर का जो जाली था वो बैठ जाएगा। और अगर आप लोग एयर फिल्टर उल्टा लगा दोगे तो ये जो कवर बाहर का है ये नहीं बैठता। तो अभी हम इसके जो स्क्रू हैं, स्क्रू सारे लगा के और इसको कर देते हैं, एयर फिल्टर के जो हमारा कवर है उसको कंप्लीट टाइट कर लेते हैं। तो हमने एयर फिल्टर का कंप्लीट फिटिंग कर दिया है, सारे स्क्रू वगैरह टाइट हो गए हैं, और अब इसका साइड का पैनल लगा के इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो इसका पैनल बैठाते हैं और लगाते हैं, इसमें जो स्क्रू वगैरह था वो सब लगा के इस पैनल को कंप्लीट करते हैं। पैनल कैसे खोलना है वो मैंने आप लोगों को बताया, पैनल कैसे फिटिंग करना है ये भी आप लोग ही सीख ही गए होंगे, और एयर फिल्टर कैसे क्लीन करना है, कैसे खोलना है, कैसे क्लीन करना है, किस चीज़ से क्लीन करनी, सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी बाइक का एयर फिल्टर क्लीन कर सकते हो खुद से घर में। तो ये वीडियो करते एंड, ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।